कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं के बीच फूट खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर परासिया विधानसभा में मौजूदा विधायक सोहन वाल्मीकि का टिकट नहीं काटा गया तो पूरा आदिवासी मुस्लिम और ब्राह्मण समाज कमलनाथ और कांग्रेस का विरोध करेगा। शायद कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन कांग्रेस के नेता छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ और कांग्रेस का विरोध करने की बात कहेंगे। पर अब छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा से कांग्रेस नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कमलनाथ को झटका जरूर देंगे। परासिया विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक सोहन वाल्मीकि का विरोध करते नेता कांग्रेस पार्टी का ही विरोध करने की चेतावनी देने लगे। आदिवासी समाज ब्लॉक उपाध्यक्ष इंद्रपाल कुमरे ने कहा कि अगर परासिया विधानसभा से मौजूदा विधायक का टिकट कांग्रेस नहीं काटती है तो पूरा आदिवासी समाज कमलनाथ और कांग्रेस का विरोध करेगा। आदिवासी समाज लगभग 75-80 हजार जो कोटा है वो गोपाल डेजे के पक्ष में, और हमने पूरे विधानसभा में हमने दौरा किया, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला उनका। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी से पुनः विचार एक बार करें कि गोपाल डेजे के पक्ष में सारे लोग हम साथ देंगे, ऐसा हम हमारा कहना आदिवासी वोटर। सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है, वैसे अभी तक कोई लिस्ट अभी निकली नहीं है। करेंगे, पूरा विरोध करेंगे हम। आने वाले चुनाव होगा उसमें भी परिणाम मिल सकता है उनको। वहीं मुस्लिम समाज के पूर्व सदर आरिज खान ने कहा कि परासिया विधानसभा में गोपाल डहरिया को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है, ऐसे में गोपाल डहरिया को ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना चाहिए। प्रेस वार्ता जो हो रही है वो आज हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग वर्तमान विधायक जी के खिलाफ में, क्योंकि उनकी निष्क्रियता के चलते जो गोपाल डहरिया जी के समर्थन में सभी लोग कि नया चेहरा प्राप्त हुए विधायक के लिए गोपाल डहरिया के समर्थन में एक बार पूरी विधानसभा का हम सभी सामाजिक लोगों ने और पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक दौरा किया जिस पर गोपाल डहरिया जी के समर्थन में सभी ने हामी भरी और वर्तमान विधायक जी के खिलाफ में बोला कि वो उन्होंने आज तक 10 सालों में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है और ना ही वो हमें समय समय पर आकर मिले हैं। इसमें मुस्लिम समाज, गोंडवाना समाज, आदिवासी समाज, डहरिया समाज, कतिया समाज, ब्राह्मण समाज, ये सभी लोग मिलकर एक दौरा पूरे परासिया विधानसभा का कर लिए हैं। और पिछले 3 दिनों से अभी पुनः नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे करीब 50-60 लोग, सभी हम लोग कांग्रेस के जो हैं सभी लोग गोपाल डहरिया के समर्थन में एक बार फिर से की जनता का समर्थन लेने के लिए पहुंचे हैं जनता के सामने, जिसमें जनता ने भरपूर हर तरह के सामाजिक लोगों ने और नागरिक बंधुओं ने समर्थन दिया है गोपाल डहरिया के समर्थन में। कांग्रेस नेता आरएन तिवारी ने कहा कि मौजूदा विधायक सोहन वाल्मीकि क्षेत्र में निष्क्रिय रहे, ऐसे में जनता उनसे नाराज है। वहीं गोपाल डहरिया को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे में सोहन वाल्मीकि का टिकट काटकर गोपाल डहरिया को प्रत्याशी बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने सोहन वाल्मीकि को ही परासिया विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने की बात कही है। माननीय कमलनाथ जी को, माननीय नकुलनाथ जी को और समस्त छिंदवाड़ा जिले की कांग्रेस कमेटी से एक बार नहीं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे सम्मान नेता माननीय कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री बनाना भी अति आवश्यक है और बनेंगे, ऐसी हमारा आशीर्वाद है। और मैं सत्य कहता हूं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, हां परासिया विधानसभा में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संघर्ष होगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। विगत 14-15 महीने से मैं पंडित आय भी करता हूं, देहरिया कतिया मेहरा समाज में जाता हूं, सभी के पास बैठता हूं, तो परासिया विधानसभा का फीडबैक जो है वो हमारे लाडले गोपाल डहरिया जी की तरफ है,
मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन करें माननीय कमलनाथ जी और गोपाल डहरिया जी को प्रत्याशी बनाए। जय जय कमलनाथ, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।